नमस्कार मित्रों, मैं पीएन वर्मा, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्वयंभो स्थलों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके आगे हम लोग आज देखेंगे चांद दड़ो को देखेंगे कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की ख्यात यहाँ पर भारी मात्रा में प्राप्त सौंदर्य प्रसाधन सामग्री को लेकर है। यहाँ पर लिपस्टिक, चेहरे की क्रीम, पाउडर, अंजन या काजल और अंजन लगाने की सलाइयाँ, चार खाने का फियांस, अर्थात काचली मिट्टी का बना इत्र पात्र मिला है। इसके अतिरिक्त देखेंगे यहाँ दो बड़े जार मिले हैं, जिन पर प्रतिच्छेदी वृत्त इंटरसेप्टिंग सर्किल बने हुए हैं वक्राकार अर्थात तिरछी ईंट मिली है। एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं। तांबे की बनी इक्का गाड़ी और बैल गाड़ी मिली है। तांबे की ही बनी बत्तख मिली है। मनका मतलब माला के दाने बनाने की कार्यशाला, मनका निर्माण कार्यशाला मिली है। खिलौना निर्माण कार्यशाला मिली है। एक मृदभान पर मछली एवं घड़ियाल का अंकन मिला है और ये प्रमुख साक्ष्य आपके चांददड़ों से प्राप्त हुए। अगला स्थल हम लोग देखेंगे कोट दीजी। कोट दीजी
कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर भारी मात्रा में राख मिली है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि कोट दीजी की बस्ती का पतन भयंकर अग्निकांड से हुआ होगा। साथ ही देखेंगे मित्र, यहाँ पर तांबे के बने बाणाग्र बाण का अग्रभाग मतलब तीर के नोक मिले हैं, और यहाँ के मृदभांडों पर छादली पुष्प आकृति पाई गई है। अगला स्थल हम लोग देख लेते हैं, आमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, और यहाँ जानेंगे कि यहाँ पर खुदाई में सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं जो प्राक सैंधो मतलब सैंधो सभ्यता के पहले के सैंधो काली और परवर्ती सैंधो मतलब सैंधो सभ्यता के बाद से संबंधित है। यहाँ पर 12 सिंगा का साक्ष्य मिला है। अगला स्थल हम लोग देख लेते हैं, सुत कांगे डोर। देखेंगे ये स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान समुद्र तट पर टास्क अथवा दस्त नदी के मुहाने पर है, और यही सुतकांगे डोर सैंधो सभ्यता का पश्चिमी सीमा स्थल है। यह एकमात्र सैंधो स्थल है जिसे प्राकृतिक चट्टान के ऊपर बसाया गया था। खोज इसकी 1927 में आरएल स्टाइन ने की है, यद्यपि अब यहाँ खोजकर्ता वगैरह कोई बहुत मायने नहीं रखते, फिर भी जान लीजिए 1927 ईस्वी में आरएल इस टाइम ने इस स्थल की खोज की। तो बता दिया हमने, फिर भी केवल हड़प्पा मोहन जोदड़ो के बारे में हम लोगों को डिटेल में जानना है, यहाँ खोजकर्ता वगैरह जाने न जाने कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बालाकोट बाला
कोट। ये स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर, बालाकोट भी बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर बिंदार नदी के मुहाने पर स्थित है और यहाँ पर सीप उद्योग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सीप उद्योग का साक्ष्य मिला है। और ध्यान देंगे मित्र कि लोथल से भी सीप उद्योग का साक्ष्य मिला है, लेकिन सीप उद्योग का साक्ष्य कहाँ से मिला है, जरूरत पड़ने पर बरीता देना हो तो बालाकोट को देंगे। नाल, नाल उत्तरी बलूचिस्तान में, उत्तरी बलूचिस्तान में जॉब अथवा झाब घाटी में स्थित है और यहाँ पर सेलखड़ी स्टेटाइट की एक मुहर मिली है जिस पर गरुड़ का अंकन है जो पंजे में सर्प को दबोचे हुए, और हम बता चुके हैं ठीक इसी तरह की मुहर जो है हड़प्पा से भी प्राप्त हुई है। अगले स्थल के रूप में हम लोग देखेंगे मांडा। कुछ भी नहीं जानना है, बस केवल इतना जान रहे हैं कि मांडा जम्मू कश्मीर के जम्मू में, जम्मू कश्मीर के जम्मू में चेनाब नदी के तट पर स्थित सैंधो सभ्यता का उत्तरी सीमा स्थल है। बस इतना जानना है, उत्तरी सीमा स्थल है। आगे हम लोग देख लेते हैं कोटला। कोटला निहंग खान, कोटला निहंग खान, कोटला निहंग खान मित्रों भारत के पंजाब राज्य के रोपड़, वर्तमान नाम रूपनगर, भारत के पंजाब राज्य के रोपड़ वर्तमान नाम रूपनगर जिले में है। ध्यान देंगे कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ उस समय तक बहुत सारे सैंधो स्थल खोज लिए गए थे, लेकिन विभाजन के उपरांत अधिकांश सैंधो स्थल पाकिस्तान में चले गए। भारत में नाम लेने के लिए मात्र दो छोटे सैंधो स्थल बचे रह गए थे, एक कोटला निहंग खान और दूसरा गुजरात का रंगपुर, गुजरात के अहमदाबाद जिले का रंगपुर। तो केवल कोटला निहंग खान और रंगपुर, ये मात्र दो छोटे सैंधो स्थल रहे जो भारत विभाजन के बाद भारत में रह गए थे। आगे हम लोग देख लेते हैं रोपड़ या रूप नगर। भारत के पंजाब राज्य में रोपड़ या रूपनगर जिले में सतलज नदी की उपत्तिका, सतलज नदी की उपत्तिका, उपत्तिका का आशय है नदी जहां पहाड़ से मैदान में उतरती है, में सैंधो साक्ष्य मिले हैं
और आप ध्यान देंगे कि भारत विभाजन के बाद भारत में खोजा गया और खोदा गया प्रथम सैंधो स्थल रोपड़ या रूपनगर ही है, और रोपड़ या रूपनगर एकमात्र सैंधो स्थल है जहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। मतलब यह एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें शव के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिला है, इसी को मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का सच मानते हैं। ध्यान देंगे मित्र, सैंधव सभ्यता में रोपड़ एकमात्र स्थल है जहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके पूर्व नवपाषाण काल में कश्मीर के बुर्जा होम में मालिक के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने की सामान्य परंपरा थी। आगे हम लोग देख लेते हैं बनवाली हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है, और देखेंगे बनवाली से पकी मिट्टी का बना खिलौना हल मिला है। पकी मिट्टी का बना खिलौना हल मिला है। यहाँ के एक भवन से वास बेसिन या धावन पात्र मिला है। वास बेसिन या धावन पात्र मिला है। राखी गढ़ी हरियाणा राज्य के जींद जिले में है, और राखी गढ़ी हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा सैंधो स्थल है। आगे हम लोग देखेंगे मित्ताथल 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 हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में है, और यहाँ पर पान पात्र अर्थात पंडब्बा, पान रखने का पात्र अर्थात पंडब्बा मिला है। कुणाल हरियाणा राज्य, कुणाल जो है ये हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है, और ध्यान देंगे कुणाल एकमात्र सैंधो स्थल है जहाँ पर चांदी के बने दो मुकुट प्राप्त हुए। भगवान पूरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। और भगवानपुरा सैंधो सभ्यता के पतनशील
अवस्था को दर्शाता है। यहाँ पर एक 13 कक्षी 13 कमरों के मिट्टी के बने भवन का साक्ष्य मिला है। आगे हम लोग देख लेते हैं बलाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और यहाँ पर एक 6 कमरे वाले भवन का साक्ष्य मिला है। 6 कमरे वाले भवन का साक्ष्य मिला है। आगे हम लोग देख लेते हैं काली बंगा। काली बंगा राजस्थान के गंगानगर वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी की घाटी में स्थित है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। और ये कालीबंगा एकमात्र सैंधव स्थल है जहाँ पर दुर्ग और निचला नगर दोनों को अलग अलग सुरक्षा दीवार से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग और निचला नगर दोनों अलग अलग सुरक्षा दीवार से सुरक्षित किया गया था। आगे देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में भवनों को अलंकृत करने का साक्ष्य नहीं मिलता। कालीबंगा एकमात्र स्थान है जहाँ पर भवनों को अलंकृत करने का साक्ष्य पाया गया है और जिसके तहत एक भवन की फर्श को अलंकृत करने का प्रयास किया गया है। भवनों को अलंकृत करने का साक्ष्य एक पल्ले वाले दरवाजों के साक्ष्य, भूकंप आने का साक्ष्य, खेत की जुताई का साक्ष्य, सैंधव स्थलों में केवल और केवल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कालीबंगा से जो है आपको
तांबे का बना, तांबे का बना बिरसभ मिला है, तांबे का ही बना उस्तुरा मिला है। तांबे का बना सूती वस्त्र में लिपटा उस्तुरा मिला है। और ध्यान देंगे, हाँ, तांबे का बना सूती वस्त्र में लिपटा उस्तुरा मिला है। एक मृतिका पिंड, मृतिका पिंड मिट्टी का टुकड़ा मिला है, जिस पर एक आदमी को रस्सी से बंधे पशु को ले जाते हुए दिखाया गया है। मिट्टी का बना स्केल मिला है, खोपड़ी की सफल शल्य क्रिया का साक्ष्य मिला है। ध्यान देंगे, लोथल से भी खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य मिला है, लेकिन लोथल की शल्य क्रिया असफल रही है, इसलिए खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बरिता हमेशा देंगे काली बंगा को। युगल सवाधान का साक्ष्य मिला है, लेकिन इस तरह की एक ही कब्र मिली है, लोथल में इस तरह की तीन कब्रें मिली हैं, इसलिए युगल सवाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मिला तो काली बंगा से भी है, लेकिन बरिता हमेशा लोथल को देंगे। भारी संख्या में अग्नि बेदियां, अग्नि बेदियां और मिली हैं, लोथल में भी अग्नि बेदियां मिली हैं, बनवाली में भी अग्नि बेदियां मिली हैं, लेकिन अग्नि बेदियां कहां से मिली? बरिता हमेशा काली बंगा को देंगे। अग्नि कुंड मिला है, और ये सब काली बंगा से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य है। धन्यवाद मित्र।